नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप सब देख रहे हैं लीगल असाइलम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भूमि अतिचार क्या है। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी किसी भूमि पर अतिक्रमण कर दिया है, रास्ते पर अतिक्रमण कर दिया है, तो उसको कैसे हटवाएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भूमि अतिचार आखिर क्या है। जिसको इंग्लिश में कहें तो इसको लैंड ट्रेसपास कहते हैं। सबसे पहले मतलब जान लेते हैं कि अतिचार यानी कि ट्रेसपास का मतलब क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति दूसरे की जमीन पर बिना उसकी मर्जी के उस भूमि में जैसे ही एंटर करता है, उसने हम कह सकते हैं कि उसने ट्रेसपास किया है। अगर भूमि अतिचार की बात की जाए तो इसमें आपकी जो खेत की जमीन है, वो आपके कोई प्लाट है या फिर आपके द्वारा कब्जा की गई कोई प्रॉपर्टी है जो आपके अधिकार में है, या फिर आपका कोई मकान है, अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति बिना आपकी मर्जी के घुसता है, तो हम कह सकते हैं कि उसने भूमि अतिचार किया है, ट्रेसपास किया है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रिमिनल ट्रेसपास और होता है सिविल ट्रेसपास। सिविल ट्रेसपास के लिए आप चाहे तो सिविल कोर्ट में जो डैमेज है उसके लिए जा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरी भूमि में ट्रेसपास किया है, इसके लिए इस पर मुझे कुछ मुआवजा दिलवाया जाए। या फिर आप क्रिमिनल ट्रेसपास में भी जा सकते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति रात में अगर आपकी ज़मीन पर आपके घर में घुसता है, तो इसके लिए 452 IPC 458 IPC में सजा का प्रावधान किया गया है। आप चाहे तो पुलिस में भी इस व्यक्ति जो व्यक्ति आपके घर पर रात के समय पर अगर घुसता है, तो आप 452 और 458 IPC में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर कोई व्यक्ति रात के समय अगर किसी व्यक्ति के घर पर घुसता है, और उसको भारी सजा भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं, अगर रास्ते में अगर कहीं पर किसी ने अतिक्रमण कर दिया है, जैसे कोई व्यक्ति शहर में, तो मेनली होता ही है कि वो जो रैंप है वो काफ़ी ज़्यादा जो रास्ता है उसके काफ़ी अंदर तक आ जाता है, जिसकी वजह से एक साइड से दूसरा पड़ोसी का रैंप लगा देता है, दूसरी साइड से दूसरा, इस वजह से जो रास्ता है वो काफ़ी संकरा हो जाता है, इसलिए आने जाने में सबको दिक्कत होती रहती है। तो इसके लिए जो अगर आप शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ की जो भी म्यूनिसिपल कमेटी है उसके पास इस संबंध में आप लिखित में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने रैंप बना लिया है या फिर रास्ते पर अतिक्रमण कर दिया है, और जिसकी वजह से रास्ता है जो काफ़ी ज़्यादा संकरा हो गया है, आने जाने में दिक्कत होती है, व्हीकल नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो म्यूनिसिपल कमेटी है वो अपनी कार्रवाई करके भी उस रैंप को हटवा सकती है, और अगर वहाँ पर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, जिसमें कि आप आपके द्वारा लिखी गई जो म्यूनिसिपल कमेटी को जो शिकायत दी गई थी उसका भी हवाला दें और बताएं कि इस व्यक्ति ने इतने एरिया में अतिक्रमण किया है, रैंप बनाया हुआ, जिसकी वजह से आने जाने का रास्ता जो है बिल्कुल बंद हो चुका है। तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो आदेश दे सकता है कि ये जो रैंप है ये अवैध है, और या फिर वो जो अतिक्रमण है वो अवैध है, इसको हटाया जाए। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अगर रास्ता बंद कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप उसके खिलाफ 133 की कार्रवाई भी कर सकते हैं। CRPC 133 ऑफ CRPC में आप उसके खिलाफ एक कंप्लेंट भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर सकते हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब फौरन आदेश देंगे कि तहसीलदार या फिर उस जगह का जो भी कार्यपालक यानी कि एग्जीक्यूटिव है, वो उस अतिक्रमण को हटवाए, वो रास्ते को साफ करवाए। करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको मैंने जो बताया वो समझ में आ गया होगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।